तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जिसके अंदर आपको अंडर 20,000 प्राइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा एंड 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट स्पेक्स और ये कब और कितनी प्राइस रेंज पर लॉन्च होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। बट दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। इससे पहले ये ग्लोबली Mi 10T सीरीज के अंदर भी मिल चुका है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11, जो कि MIUI 12 पर रन करेगा। कैमरा के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का। इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, डेप्थ सेंसर और एक माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, या फिर इसके अलावा एक IPS डिस्प्ले विद 120Hz हाई रेफ्रेश रेट के साथ भी मिल सकता है, जो कि एक पंच होल कटआउट के साथ आने वाला है, जहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है। अगर बैटरी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जहां पर आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक, NFC, IR ब्लास्टर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन दो रैम वेरिएंट के साथ आ सकता है, 6GB 128GB एंड 8GB 256GB, जहाँ पर आपको अलग से माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों, इसकी प्राइजिंग के बारे में बात की जाए तो ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे की प्राइजिंग में आने वाला है। तो दोस्तों, देखा जाए तो 20,000 की प्राइजिंग में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 5G सपोर्ट एंड 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट बनने वाला है। और दोस्तों, ये अक्टूबर मंथ में चाइना के अंदर जाएगा, उसके बाद ये नवंबर में इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।